प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का भी करेंगे दौरा। पीएम तमिलनाडु में 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। तिरुनेलवेली में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं महाराष्ट्र को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने केरल में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की और कहा कि इस बार भी हमारा समय। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी भाग्यशाली है। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, नायर अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला होंगे अंतरिक्ष यात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का किया दौरा। प्रधानमंत्री ने मिशन गगनयान के निर्माण स्थल का लिया जायजा। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम हुए घोषित। यूपी से बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जीत पर दी बधाई। सभी 8 उम्मीदवारों को किया सम्मानित। लखनऊ में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को दी बधाई। कहा, आज हमारे सभी 8 प्रत्याशी जीते हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं और सपा के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं तो उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। लखनऊ में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के सभी 8 प्रत्याशी विजयी हुए, ये एक संकेत है कि अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 इस बार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने चुनाव शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न होने पर खुशी जताई। कहा, विजयी उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए गए हैं। 8 भाजपा और 2 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते। यूपी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवारों को दी बधाई। कहा, यह जीत पीएम मोदी पर अटूट विश्वास का प्रमाण है और डबल इंजन की भाजपा सरकार की जनसेवा और गरीब कल्याण की प्रभावशाली नीतियों की जीत। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की कार्यशाला आज। विकसित भारत योगी दिखाएंगे हरी झंडी, जनता के सुझाव से तैयार करेंगे संकल्प पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद के एटीएस कमांडो सेंटर का आज करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। इस दौरान कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए 1500 श्रद्धालु को लेकर रवाना हुई पहली आस्था स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालु यात्रियों को चंदन का टीका और माला पहनाकर किया गया स्वागत। चित्रकूट में 3 दिवसीय निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का किया गया आयोजन। 566 लाभार्थियों को 1,07,00,000 रुपए की लागत के सहायक उपकरणों का होगा वितरण। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंचकर जनसंवाद विकास यात्रा में लिया हिस्सा। विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बरेली जनपद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लगाए शुक्रिया मोदी भाईजान के उर्दू में लिखे पोस्टर। कौमी चौपाल यात्रा निकाल कर लोगों को किया जागृत। भदोही जिला प्रशासन द्वारा पूर्व विधायक विजय मिश्रा के परिजनों के नाम की 17,40,00,000 की संपत्ति पुलिस ने की कुर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से अलीगढ़ के उद्योगपति हैं उत्साहित। उद्योगपतियों ने कहा कि उद्योगों के विकास से बढ़ते रोजगार के अवसर। ताज महोत्सव को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 29 फरवरी तक लोग ताज महोत्सव में खरीदारी कर सकेंगे। हालांकि 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। आगरा में पर्यटन विकास के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर। मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। आगरा किला फतेहपुर सीकरी में होंगे काम।